सब्सक्राइब करें प्रमिला कुकबुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुकबुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू और मेथी के पराठे। और आलू मेथी के पराठे सर्दी में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाने में भी आसान है, और अभी मेथी बहुत अच्छी आ रही है, तो चलिए आज हम बनाते हैं आलू मेथी के पराठे। आलू मेथी के पराठे बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली का ऑयल लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा मसाला भी भूनेंगे और पराठा भी बनाएंगे। और आप चाहें तो पराठा ऊपर से सेकने के लिए घी या बटर भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिए मेथी, तो थोड़ी मैंने मेथी ली है इसके अंदर, तो करीब 50 ग्राम मेथी ली है मैंने, और साथ में दो आलू लिए हैं इसके। तो आलू को हम मैश करके इसमें मसाला बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने बेसन लिए है, करीब 2 टेबल स्पून बेसन को मैंने सूखी कढ़ाई या तवे पे आप भून के रख ले हल्का सा। और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अमचूर रखी है मैंने खटाई के लिए इसमें डालेंगे। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के रखा है और थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा। हरा धनिया हमने कम ही लिया ताकि हमें मेथी का फ्लेवर ज्यादा मिले। और साथ ही साथ मैंने इसमें प्याज हमने डाला है इसके अंदर, स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी पत्ती वाला प्याज मैंने थोड़ा सा इसके अंदर काट के रखा है। और आटे का एक डो बना के रखा है, तो इसके अंदर हमने हल्की सी हल्दी और नमक और थोड़ा सा ऑयल मिला के मैंने ये आटा गूंदा है, तो इससे हमारा पराठा ज्यादा अच्छा बनेगा। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रखी है और उसके अंदर करीब 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, इसके अंदर 1/2 टीस्पून में जीरा डाला है मैंने। और साथ ही साथ ये जो आलू है वो मैं डाल दूंगी, दो आलू मैंने मैश करके रखे उबले में। आलू डालने के बाद थोड़ा सा हमने 1 मिनट हिला लिया इसको। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधे से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, इसको हम मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसके अंदर मैं ये हरी मिर्च डाल दूंगी कटी हुई बारीक, और साथ ही साथ ये जो मेथी हमने धो के थोड़ा सा काट लिया था उसको भी मिला देंगे इसमें। मेथी डालने के बाद ये जो हरा प्याज है काट के मैंने धो के रखा वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर, तो भी मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा हरा धनिया, यदि हरा धनिया नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि इसमें हमने मेथी डाल दी है, तो थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये जो मैंने बेसन लिया है भून के रखा था, इससे हमारे पराठे बहुत ही अच्छे खस्ता बनेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। तो इसके अंदर मैं ये बेसन डाल रही हूँ, करीब 3 टीस्पून भर के मैं बेसन डाल रही हूँ इसके अंदर। ड्राई रोस्ट कर लिया था हमने कढ़ाई में, तो मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी और हमारा ये आलू मेथी का मसाला तैयार हो गया पराठे बनाने के लिए। और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है और आंच को कम करके तवा रख दिया। और अब मैं इसका एक डो बना रही हूँ, डो बनाया, और इसमें से एक हम लोई यानी कि एक बॉल बना लेंगे, छोटी सी लोई बना लेंगे आटे की। और फिर हम इससे, आप चाहे मोटे पराठे बनाना तो आप मोटे भी बना सकते हैं, कई लोग मोटे पराठे बनाते हैं कई लोग पतले, तो आप अपने हिसाब से उसकी लोई लेके और पराठे बना सकते हैं। तो मैंने ये लोई ली है, इसको हम थोड़ा सा बेल देंगे। थोड़ा सूखा आटा लगा के और इसको हम बेल लेंगे। और इसके बीच में बेलने के बाद मैं ये मसाला रखूंगी। मसाला भी आप कम ज्यादा जिस मात्रा में डालना चाहें उस हिसाब से डाल लें। तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से पराठे को, और फोल्ड करने के बाद ये जो ऊपर एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल देंगे।
और इसको इस तरह से दबा लेंगे हाथ से और सूखा आटा लगा के और पराठा बेल लेंगे। अब हम हल्के हाथ से बेलेंगे क्योंकि हमने मसाला डाला है, ताकि हमारा पराठा टूटे नहीं। तो अब हमारा तवा गर्म है तो हम ये पराठा इस पे डाल देंगे। आप चाहें तो बड़ी साइज के पराठे बना सकते हैं। और एक साइड सिकेगी तब मैं इसको पलट दूंगी और हम थोड़ा सा इस पे घी लगा देंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो हमारा एक तरफ से पराठा सिक गया है तो अब हम इसको पलट देंगे और इस पे मैं घी लगा रही हूँ। थोड़ा सा हम घी लगा देंगे इसके ऊपर। घी लगाने के बाद फिर से इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे और इस साइड पे भी घी लगा देंगे। बहुत तेज आंच नहीं रखें और थोड़ी सी आंच कम करने से पराठा हमारा बहुत अच्छा सिकेगा, नहीं तो वो तेज आंच में एकदम से जल जाता है पराठा। अब हम इसको धीरे धीरे सिकने देंगे। तो अब हमारा पराठा सिक गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए एक पराठा बन गया, इसी तरह मैं दूसरा पराठा सेक लूंगी। तो अब हमारे आलू मेथी के पराठे तैयार हैं। ये पराठे खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बच्चे कोई मेथी नहीं खाते हो तो आलू के साथ मिला के पराठे बनाने से बच्चे इसे खुशी खुशी खा लेते हैं और सभी को ये बेहद पसंद आते हैं। आप इसे लंच बॉक्स में खा सकते हैं या फिर लंच या डिनर में भी खा सकते हैं और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुकबुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।